इयत्ता 6वी मराठी सुगम भारती कविता कर्मांगे नव्या युगाचे गाणे। प्रिय विद्यार्थ्यांनो, आपल्या मराठीच्या पुस्तकात पान क्रमांक 1 वर दिलेली कविता आहे नव्या युगाचे गाणे। आज आपण ह्या कवितेचा अध्ययन करू। ऐका, म्हणा, वाचा, कहो, बोलो और पढ़ो। नव्या युगाचे नवीन गाणे। युग यानी जमाना। युग के मानी है जमाना। नव्या युगाचे गाणे नई जमाने का गीत। नव्या युगाचे गाणे एक दिलाने गाओ। मानव तेचा दीप अंतरी नित्य तेवत ठेव। इसके मानी हम देखते हैं बच्चों, मानवता यानी इंसानियत, दीप यानी चराग या दिया, अंतरी यानी एक दूसरे में नित्य तेवत ठेव, यानी हम इंसानियत का चराग जलाते जाएंगे। अज्ञानाचा तिमिर सारुनी, अज्ञान यानी जहालत, तिमिर यानी अंधेरा, जहालत का अंधेरा हटाकर सारुनी यानी उसे हटाकर झाड़कर उसे खत्म करके, अज्ञानाचा तिमिर सारुनी, तेजोमय हा सूर्य उगवला। तेजोमय यानी रोशन, ताबनाक, सूर्य यानी जानते हो आप सूरज, उगवला यानी सूरज उसका तुल होगा, यानी जहालत का अंधेरा खत्म करके हम जो है ये इल्म रोशन करेंगे, इल्म के चराग को। विज्ञान चा नभो मंडली आपन तारे हो। नभो मंडली यानी कायनात के अंदर, इस साइंस की कायनात में हम इसके तारे हो जाएंगे, जहालत का अंधेरा खत्म कर देंगे और इल्म की रोशनी से। विज्ञान यानी इसके मानी होते हैं जानना। अगर स्टेंसा देखते हैं, रंग आपला वेग वेगड़ा, रंग आपला वेग वेगड़ा, अगरचे हम अलग अलग जात के हैं, अलग अलग मजाहिब के मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम सुर आपला एक सार के, लेकिन हमारी आवाज एक है, हमारा मकसद एक है बच्चों। अनेक तेतुन एक त्वाचे गाने आपन गाओ, यानी हम अलग अलग अनेकता है लेकिन हम में एकता है, वहदत में कसरत, यही है भारत की अनेकता में एकता, यही है भारत की सभ्यता। अब अगला स्टेंजा है बच्चों इसका, हाता महदो हाथ गुफोनी देश हिताचे मंत्र जपोनी। हाता मधे हाथ गुफोनी देश हिताचे मंत्र जपोनी। हासत खेड़त देहिये मंदिरी पूढ़े पूढ़े जाओ। यहाँ देखो बच्चों, हाता मधे हाथ गुफोनी देश हिताचे मंत्र जपोनी। हासत खेड़त दैय मंदिरी पूढ़े पूढ़े जाओ। अब यहाँ देखते धैये, धैये यानी मकसद, हमारे मकसद में हम आगे बढ़ते जाएंगे। पूढ़े पूढ़े जाओ यानी आगे आगे बढ़ते जाएंगे, एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर हम इस मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। पवित्र यानी देखो नीचे का स्टेंजा, भारत भूची पवित्र माता प्रिय आमला सर्वांगुन ही। पवित्र यानी पाक, प्रिय यानी प्यारा, भारत भूमि ची पवित्र माता हमको सबसे प्यारी है। प्रिया माला स्वर्गा हुन ही, स्वर्ग यानी जन्नत, जन्नत से भी प्यारी है। या धरणी चे रक्षण करण्या प्राण पणाला लाओ। या धरणी चे रक्षण करण्या प्राण पणाला लाओ, यानी इस जमीन की, भारत भूमि की, भारत के सरजमीन की हिफाजत करने के लिए हम अपनी जान की भी कुर्बानी लगा देंगे, जान की भी बाजी लगा देंगे। प्राण यानी जान। देखिए बच्चों, आपने
ये इसका लास्ट स्टेंजा। और इसके कवि वो है शुभदा दादरकर।